हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक टोपी को शेयर करूंगी। टोपी बना करके दिखाऊंगी जिसको देखिए, ये मैंने दो कलर की ऊन ली है। बर्दवान की ऊन है, ब्लू वेल की। देखिए ये ऑरेंज कलर और जो है ग्रे कलर से मैं बना रही हूँ। आप कोई भी कलर ले लीजिए जो आपकी इच्छा है कि आपको कौन सा कलर जो है अच्छा लगता है। जब आप किसी सेट के साथ जो है टोपी बना रही हैं तो आप उसकी कलर की ऊन ले लीजिए, जिसमें आपने जो है बच्चे का स्वेटर बनाया है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें 10 नंबर की सिलाई मैं लूंगी। 10 नंबर की सिलाई ले रही हूं और इसमें जो फंदे डाले हैं वो मैंने जितने यहां से डाले हैं उतने ही मैंने ऊपर रखे हैं। मतलब कि आपको गिन के दिखा देती हूँ कितने मैंने फंदे डाले हैं। ये वाला जो है डिजाइन मैंने इसमें डाला हुआ है, यहां तक मेरा बॉर्डर आ गया था। तो इसमें डिजाइन जो है इस कलर से मैंने स्टार्ट किया है, तो बॉर्डर भी इसके साथ जो है मिला लिया। बॉर्डर जो है 2x2 का मैंने बनाया है। डिजाइनर फंदे जो है नीचे मैंने डाले थे, उसके साथ मैंने जो है बॉर्डर बनाया है। तो यहाँ पे देखिए फंदे कितने मैंने बनाए हैं, 84 जो 86 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 40 80 हो गए यहाँ से। 80 81 82 83 84 85 86 86 फंदे मैंने डाले हैं। मतलब कि 86 मैंने स्टिचेस जहाँ से डाले हैं, 86 स्टिचेस को मैं जहां से बुनती हुई गई हूँ, यहां तक मैंने 2x2 का बॉर्डर बनाया है ऑरेंज कलर से। यहां से मैंने अपना डिजाइन स्टार्ट किया है। तो ये जो डिजाइन है मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको कैसे डिजाइन बनाया है थोड़ा सा यहाँ पे बना के दिखाऊंगी। तो ये वाला जो मैं ऑरेंज कलर का बना रही हूँ, इसे पूरा करके जब मैं ग्रे कलर का स्टार्ट करूंगी तब आपको डिजाइन जो है शुरू से बताऊंगी कि हाँ कहाँ से हमने कैसे बनाना है। तो ये 2-4 सिलाइयाँ जो है कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं अपना डिजाइन जो है ये इस कलर से स्टार्ट करूंगी। लेकिन आपने जब भी स्टार्ट करना है दो सीधे और दो उल्टे से ही स्टार्ट करना है। दो सीधे दो उल्टे, दो सीधे दो उल्टे, ऐसे ही आपने जो है इस डिजाइन को स्टार्ट करना है। बाद में जब चेंज करना है तो कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पे मैं 2 बार डिजाइन बना चुकी हूँ, एक बार ग्रे से और एक बार ऑरेंज से। अब यहाँ पे मैंने 6 जो है रो बना ली है। देखिए यहां से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, 6 सिलाइयां मैंने बना ली हैं। अगर यहां से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 तो 4 सिलाइयां बनी हैं। तो इस तरह से आपकी मर्जी है, आप इसको जो है और 2 सिलाइयों के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे 2 सीधे 2 उल्टे और 2 सिलाइयां बना के इसको डिजाइन में जो है चेंज करूंगी, इसका डिजाइन जो है दूसरे कलर को लगाऊंगी। तो जो थोड़ी सी यहाँ पे जो जे बनी है, जिस स्टेप से जो बनी है तो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। इस तरह से आपने देखना है आपको कितना जो है इसको जो है बनाना है लंबा। तो अगर आपको ज्यादा लंबा चाहिए तो 2 सिलाइयां और बना लीजिए, अगर आपको इतना चाहिए तो ये वाला जो है पैटर्न इस तरह से रिपीट कीजिए। तो मैं ग्रे कलर लगा रही हूँ, देखिए कैसे बनाना है हमने इसको। फर्स्ट वाला फंदा तो मैं उतारूंगी, ये जो 2 फंदे हैं इनको बनाऊंगी उल्टे हैं जो, और ये जो 2 सीधे दिख रहे हैं इनको बिना बुने ही इस तरह से सिलाई में ले लूंगी। फिर 2 उल्टे फंदे हैं इनको बनाऊंगी सीधा इस तरह से। हाथ को थोड़ा लूज रखना है ताकि हमारा धागा जो है जहां से टाइट ना हो और डिजाइन इकट्ठा ना हो। तो इन फंदों को इस तरह से उतार लूंगी। 2 फंदे फिर से उल्टे हैं, उन्हें बनाऊंगी इस तरह से और इन 2 फंदों को उतार लूंगी, बिना बुने ही सिलाई में उतार लेना है। फिर 2 फंदे उल्टे आएंगे, उनको इस तरह से बनाएंगे। तो पूरी सिलाई को हमने इस तरह से रिपीट करते हुए जाना है, जितने भी आपके पास फंदे हैं। अलग से भी मैंने इस डिजाइन की वीडियो बनाई है तो वहां से भी आप देख सकते हैं।
और इसमें भी थोड़ा सा मैं बना के आपको दिखा दूंगी। तो फर्स्ट रो हमारी इस तरह से पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आप देखिए दूसरी साइड है, उल्टी साइड है, उल्टी साइड से हमने कैसे बनाना है, जो फंदा हमने पहली साइड में बुना था उसे बनाएंगे, जो उतारा था उसे ऐसे उतारेंगे इस तरह से, लेकिन उल्टी तरह जो है इन फंदों को बनाएंगे। देखिए वहां से सीधा बनाया था, यहां से उल्टा बना लिया, फिर दो फंदे उतारे, फिर नेक्स्ट दो फंदे जो ग्रे कलर के हैं वो बनाएंगे इस तरह से उल्टे, फिर नेक्स्ट दो फंदे उतारेंगे, फिर दो फंदे बनाएंगे इस तरीके से, फिर नेक्स्ट दो फंदे उतारेंगे और दो फंदे बनाएंगे। तो इस तरह से हमने पूरी रो को कंप्लीट करना है। डिजाइन की दूसरी रो है ये ग्रे कलर से, जो भी आपके पास कलर हैं, जब हम कलर बदलेंगे तो हमने जो है दूसरी रो इस तरह से बनानी है, फर्स्ट रो जैसे मैंने बताया उस तरह से बनानी है। देखिए आ जाइए थर्ड रो पे, जो कि हमारी सीधी साइड से आएगी, सारे फंदों को हम इस तरह से सीधा बुनेंगे। अब ये जो छोड़े हुए फंदे हैं उनको भी सीधा बुन लेंगे इस तरह से, मतलब कि जो बिना बुने हमने लिए थे उनको भी हमने इस तरह से सीधा ही बुन के कंप्लीट करना है। थर्ड रो है, थर्ड रो में पूरे फंदों को सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। देखिए अब देखिए डिजाइन की फोर्थ रो है, यही वाली जो है डिजाइन को चेंज करेगी यहां से। अब कैसे बनाना है इसको, ये जो सीधे फंदे हमें दिख रहे हैं इनको उल्टा बनाना है, ये जो उल्टे फंदे दिख रहे हैं इनको सीधा बनाना है। यहां से देखिए ये जो उल्टे फंदे हैं इनको सीधा बनाना है, ये जो यहाँ पे सीधे फंदे हैं इनको हमने उल्टा बनाना है। तो ये वाले फंदे हमारे आएंगे उल्टे, देखिए बना के दिखा देती हूँ। एक फंदा उतारेंगे एडजस्ट स्टिच है धागा बैक साइड, और इन फंदों को हम उल्टा बनाएंगे, और यहाँ पे ये वाले फंदे सीधे हैं तो इन्हें सीधा बनाएंगे, और दो फंदे उल्टे, बस दो सीधे दो उल्टे बनाएंगे। लेकिन थोड़ा सा हमने इसमें चेंज करना है, जब भी हम कलर को चेंज करेंगे तो हमारे यहाँ पे ये फंदे जो हैं चेंज हो जाएंगे। देखिए इस तरह से दो सीधे दो उल्टे, इस तरह से हमारी पूरी रो आएगी। अगर आपने यहां से स्टार्ट अच्छे से किया तो आपकी पूरी रो सही से बन जाएगी। देखिए ये वाले जो फंदे हैं वो सीधे आ रहे हैं उल्टे के ऊपर सीधे, और ये जो सीधे फंदे हैं इनके ऊपर हमने उल्टा बनाना है। तो इस तरह से हमारी जो है ये पूरी रो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद दो फंदे सीधे दो उल्टे यहाँ से आएंगे, दो फंदे सीधे दो उल्टे यहाँ से आएंगे, फिर हमारा जो है ऑरेंज कलर स्टार्ट होगा। यहाँ से हमने जो है अगली दो सिलाइयों के बाद कलर चेंज करना है। तो इसी तरह हमने करते हुए देखिए जाना है। इसको लगभग जो है मैं 6 इंच तक जो है बुनूंगी, उसके बाद आपको बताती हूँ कितना हमने बनाना है, कैसे ऊपर बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक जो है मैंने इसको बॉर्डर के साथ जो है, देखिए इस तरह से अगर आप नाप के देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है 5 इंच तक बना है, मेरे पास 5 इंच तक बना है। अब इसमें जो है 1 से 1.5 इंच तक मैं ऊपर बनाऊंगी, लेकिन मैंने जो है ग्रे कलर को हटा दिया है और बिल्कुल जो है इसको ऑरेंज कलर के साथ जो है बनाऊंगी ऊपर, अलग तरीके से जो है टोपी बना रही हूँ। तो इसको जो है मैं सीधा सीधा बुनूंगी, लेकिन जहाँ पे फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को देखिए ये मैंने ग्रे कलर जो है यहाँ से हटा दिया है, काट के अलग कर दिया है। अब इसमें डिजाइन नहीं डालूंगी, इसको बिल्कुल सीधा सीधा बुनूंगी। एक सिलाई इसमें जो है इस तरह से सीधे फंदे बुनूंगी इसमें। इस तरह से पूरे फंदों को सीधा बुन के कंप्लीट करूंगी। देखिए दूसरी सिलाई जो उल्टी साइड से आएगी वो देखिए यहां पे हमने जो है डोरी डालनी है। डोरी क्यों डालनी है बाद में आपको समझ में आ जाएगा, और बाद में आपको दिखाऊंगी भी। लेकिन हमने एक फंदा उतारा, दो फंदे उल्टे बनाए, फिर धागे को इस तरह से घुमाना है सिलाई के ऊपर, फिर दो फंदों का एक बनाना है ऐसे, फिर दो फंदे बनाने हैं,
तीन फंदे बना लीजिए, एक दो तीन, तीन फंदे बना लीजिए। फिर धागा घुमाना है, दो का एक बनाना है, फिर एक दो तीन, धागे को घुमाएंगे, दो का एक बनाएंगे, फिर एक दो तीन, फिर धागे को घुमाएंगे, दो का एक बनाएंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में है, धागे को घुमाएंगे और यहाँ पे दो का एक करेंगे और हमारे पास एक फंदा बचा है, इसे सीधा बुन लेंगे। अब देखिए बाकी जो सारी सिलाइयाँ हैं हम सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी बुनेंगे। ऐसे ही करते हैं हम जो है 1 से 1.5 इंच तक जो है इसे बनाएंगे। देखिए ये जाली वाला फंदा भी हम सीधा बुनेंगे, देखिए इस तरह से। टोटल मिला के हमारे पास 4 फंदों का गैप आ जाएगा, जाली से पहले और जाली के बाद। देखिए एक दो तीन फंदे हमने नॉर्मल बुने थे, चौथा ये दो का एक जो किया था। फिर हम जाली को भी सीधा बनाएंगे, तो इस तरह से यहाँ पे हम डोरी बनाएंगे। देखिए ये और ये, फिर यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। तो इस तरह से सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुनते हुए हम इसे 1-1.5 इंच तक जो है कंप्लीट करेंगे। फिर इसे बंद करेंगे, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, सीधा सीधा बुन के मैंने यहाँ पे इतना बुना है, 1 से 1.5 इंच के करीब मैंने बुना है। ये आपकी इच्छा है, आप इसे ज़्यादा भी बुन सकते हैं, इससे कम भी बुन सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे जो है ये 0 से 6 मंथ के बच्चे के लिए ये कैप है। तो ऊपर में इतना ही मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आप बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे फंदे भी आपके ज़्यादा लगेंगे, तो यहाँ से ये लंबाई जो है वो भी आपकी ज़्यादा बनेगी और यहाँ से भी आपका ज़्यादा ही बनाया हुआ अच्छा लगेगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये जो है मैं 0 से 6 मंथ के बच्चे के लिए जो है ये बना रही हूँ। अब इसमें आगे जो है हमने फंदों को बंद करना है, तो सिलाई का काम हमारा खत्म हो चुका है। अब इस धागे को हम ऐसे थोड़ा लंबा काटेंगे और इन फंदों को हमने यहाँ पे बंद करना है। बंद हम जो है नए तरीके से करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है, ये मैंने मोटे वाली सुई ली है, इस तरह से हम इसमें धागा डाल लेंगे। अब देखिए हमने कैसे बंद करना है इन फंदों को। इस तरह से जो है फर्स्ट वाले 3 फंदे हम इस तरह से सुई में लेंगे, देखिए सुई में लेंगे और इसको इस तरह से हम निकाल लेंगे। निकाल लिया, अब जो फर्स्ट वाला फंदा है इसको इस तरह से ड्रॉप कर देंगे ऐसे। फिर हमने इन दो को और एक हमने पीछे वाला फंदा लेना है, तीनों को फिर से हमने इस तरह से सुई में लेना है। इस तरह से सुई में लेके फर्स्ट वाला फंदा इस तरह से फिर से ड्रॉप कर देना है ऐसे, थोड़ा सा हम इसे खींच लेंगे। फिर से हमने इसको इस तरह से लेना है और तीसरा फंदा लेंगे, फिर हमने इस तरह से सुई में लेकर के तीनों को हमने इस तरह से सुई में लेना है, लेकिन जो है ड्रॉप करना है हमने फर्स्ट वाला फंदा ही करना है। इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे, देखिए आप देख पा रहे हैं ये डिज़ाइन जो है कुछ इस तरह से नोट सी बन के आएगी हमारी यहाँ पे। फिर हमने दो फंदे ये लेने हैं, तीसरा हमने और लिया, तीनों को हमने इस तरह से सुई में ले लिया और तीनों को सुई में लेके इस तरह से इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे और फर्स्ट वाला फंदा ड्रॉप कर देंगे ऐसे। तो ऐसे जो है एक जो है हमारी यहाँ पे गांठ सी बन जाएगी, जैसे हम एक नोट लगाते हैं उस तरीके से जो है ये आ जाएगा इस तरह से। देखिए ये लिया, इसको निकाल लिया ऐसे और इसको इस तरह से ड्रॉप कर दिया। फिर अगले 3 फंदे लेंगे, दो तो हमारे पास ऑलरेडी हैं ही, एक फंदा हम आगे वाला लेंगे, तीनों को इस तरह से सुई के बीच में से धागे को निकालेंगे ऐसे, इस तरह से इसे टाइट करेंगे और फर्स्ट वाला फंदा ड्रॉप कर देंगे इस तरह से। फिर हमने 3 फंदे लेने हैं, तीनों को हम इस तरह से लेंगे और फर्स्ट वाला फंदा ड्रॉप कर देंगे।
तो इस तरह से हमारे फंदे जो हैं सारे बंद हो जाएंगे। इसी तरीके से हमने सारे फंदों को बंद करना है, फिर आगे आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में है, हमने इस तरह से लास्ट वाले फंदों को भी उसी तरीके से बंद करना। देखिए लास्ट इस ये फर्स्ट वाला फंदा निकालेंगे, एन फिर तीन फंदों को इस तरह से लेंगे और फिर फर्स्ट वाला फंदा निकालेंगे। अब हमारे पास दो फंदे बचे हैं, तो दो में से इस तरह से निकालेंगे एक को, फिर इस तरह से दूसरे को। तो यहाँ पे आके हमारा जो है ये बंद हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो है ये देखिए बहुत ही प्यारी सी जो है ये किनारी बन के आई है। अब इस धागे के साथ जो है हम इस टोपी की सिलाई करेंगे, ऐसे इस तरह से हमने इसको सिल देना है। तो पहले तो इस धागे को बारीक सुई में डाल दूंगी मैं और इस तरह से इसकी सिलाई करूंगी, यहां से लेके यहां तक नीचे तक। ये जो धारियां हमारी हैं ग्रे और ऑरेंज की, इसको इस तरह से साथ मिलाते हुए हमने अच्छे तरीके से सिलाई करनी है इसकी, इस तरह से। ऐसे जैसे भी आप सिलते हैं वैसे आप इसको सिल के कंप्लीट कीजिए, यहां तक हमने इसको सिल लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी टोपी जो है सिल के हमने यहां से कंप्लीट की है। देखिए यहां से मैंने इसको सिला है, बिल्कुल भी सिलाई का पता नहीं चल रहा है, बिल्कुल डिजाइन के साथ जो है डिजाइन हमारा मैच कर गया। देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसकी सिलाई का पता नहीं चल रहा है, यहां से सिलाया मैंने इसको। देखिए यहां से यहां तक इसको सिला है। अब हमने इसको कैसे बनाना है, देखिए ये अगर 2x2 का बॉर्डर बनाते हैं तो इस तरह से स्ट्रेच होता है, तो बच्चे को जो है माथे पे यहाँ पे लगेगा नहीं, चुभेगा नहीं। अब इसको जो है जो हमने डोरी बनाई है इसको हम यहाँ पे हमने जो है होल बनाए थे इसमें डालेंगे, यहाँ पे ये जो हमने होल बनाए थे वहाँ पे हम इस तरह से ऐसे करते हुए डाल लेंगे। चाहे आप इसे क्रोशिए के साथ जो है इस तरह से डाल लीजिए, लेकिन अगर आपने होल बनाए हैं तो इस तरह से हाथों के साथ भी इसको इस तरह से इन छेदों में इस तरह से बना सकते हैं आप ऐसे, इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने सारे होल्स में से इस तरह से इस डोरी को निकाल लिया है। अब यहां से इसको इस तरह से टाइट करके बांध देंगे और ये जो है मैंने बटन जो है पोम-पोम बनाए हैं, सॉरी ये देखिए ये मैंने पोम-पोम बनाए हैं, तो इसके साथ हम यहाँ पे अटैच कर देंगे इन पोम-पोम्स को। हम इस पे इसको इस तरह से हम यहाँ पे बांध देंगे, किसी भी तरीके से आप यहाँ पे इसे लटका सकते हैं। अब देखिए इस टोपी की फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से जो है इस टोपी की फाइनल लुक हमारे सामने है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप एक नोट लगा सकते हैं, इसको टाइट कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा इसे ढीला करना चाहते हैं तो ढीला भी कर सकते हैं। देखिए ऊपर से जो है ये इस तरह से फ्लावर की शेप में आएगी, इसे आप पोटली कैप भी कह सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी कैप जो है हमारे सामने बन के आई है, बहुत ही प्यारी सी कैप है। देखिए छोटी सी क्यूट सी कैप जो है ये हमारे पास जो है बन के रेडी हुई है। आप इस तरह से बड़े बच्चे को भी बना सकते हैं, छोटे बच्चे को भी बना सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के लिए आप इस टोपी को बना के रेडी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस किया कीजिए फ्रेंड्स, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।